LLB थर्ड ईयर की जो सीरीज चल रही है आपकी एविडेंस लॉ की, उसमें अब हम अपना फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। क्या है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं, व्याख्या कीजिए। हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक ही समव्यवहार के तथ्य जो हैं सुसंगत तथ्य कहलाते हैं, लेकिन कंडीशन ये भी रहती है कि कभी 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 जो तथ्य सुसंगत नहीं होते हैं एक ही समव्यवहार में वो नहीं आते हैं, तब भी वो तथ्य क्या हो सुसंगत हो जाते हैं, उन कंडीशंस को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले धारा 11 का मूल पार्ट इसमें देखेंगे, तथ्यों का असंगत होना ही उनका सुसंगत उनको बनाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और प्रोफेसर बिगमार ने 5 दृष्टांत कौन से दिए उनको भी देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे अधिसंभावना दर्शाने वाले तथ्य। चलिए तो धारा 11 का मूल पाठ इस प्रकार से है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं सुसंगत हो जाते हैं। यानी मूल पाठ ये कहता है कि जो तथ्य पहले सुसंगत नहीं है, यानी किसी तथ्य से मिले नहीं है, यानी उसके बारे में नहीं मान के चलो, का ने खा को मारा, का ने, ये एक विवाद है कि का ने खा को मारा, ठीक है, तो ये विवादक तथ्य है। अब हमने पहले डिस्कस किया था अगर कोई देख रहा है काको यहाँ पर मारते हुए या इस प्रकार की क्रिया करते हुए, तो ये एक समव्यवहार का तथ्य सुसंगत तथ्य बन जाता है। अगर वो कोई व्यक्ति देखे तो देखने वाला एक तथ्य जो है सुसंगत तथ्य कहलाएगा, लेकिन का ने काको मारा है या नहीं मारा ये एक विवादक तथ्य है। लेकिन इसी के साथ ही अगर का ये प्रूव कर देता है न्यायालय में कि वो उस दिनांक को जिस दिन का ये आरोप खाद द्वारा मुझ पर लगाया जा रहा है अनियंत्रित था, किसी मान के चलो एक्स जगह पर था, तो यानी क्या हो गया अब कि जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, अब ये जो तथ्य है इसके साथ सुसंगत नहीं है वो, हाँ ठीक है, अब ये वाला एक्स वाला सुसंगत नहीं है, फिर भी ये तथ्य क्या हो जाएगा सुसंगत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें इसमें दो बातें इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी, यदि वे विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं तब वे सुसंगत तथ्य हो जाएंगे। यानी ये जो विवादक तथ्य है इसके साथ ये गा वाला सुसंगत तथ्य मैंने बताया था जो अगर ये देखता तो, ठीक है, लेकिन ये दोनों से अगर असंगत ये तथ्य हो जाए कि का ये प्रूव कर दे कि मैं उस दिनांक को यहाँ पर था ही नहीं, तो यहाँ पर ये विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हो जाएगा, तब ये जो असंगत तथ्य है तब ये असंगत तथ्य ही सुसंगत हो जाएगा। यानी असंगतता ही सुसंगतता को जन्म दे रही है। ठीक है, चलिए इस धारा 11 में दूसरी बात ये है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कि यदि वे स्वमेव या अन्य तथ्यों के ससंग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व, इन दोनों में से किसी का भी अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभावन संभाव्य और अनादि संभाव्य बना दें, पॉसिबल और इम्पॉसिबल बना दें इनका अस्तित्व, ठीक है, कोई भी संगत उसके साथ में बन के, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे वो तथ्य अधिसंभाव्य और अनादि संभाव्य बनते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल भाषा में हम दोनों को देख लें तो यही है कि कोई भी तथ्य जो होता है वो सुसंगत होने के लिए अगर असंगत हो तब भी वो सुसंगत हो जाता है, असंगत होता है तब भी सुसंगत हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि यदि स्वमेव या अन्य तथ्यों के साथ कौन से तथ्य विवादक या सुसंगत तथ्य, इनका अस्तित्व है या नहीं है ये हमको प्रूव करना पड़ता है। अगर अस्तित्व अस्तित्व है तो कितना अधिसंभाव्य ऐसी पॉसिबिलिटी है या पॉसिबिलिटी नहीं है, या अगर अस्तित्व है उसका अस्तित्व नहीं है तो उसकी कितना अत्यंत अधिसंभाव्य वो है या नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से साक्ष्य या तथ्य बनते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसमें कि प्रश्न क्या है कि क्या का ने कलकत्ता में अपराध किया है। ठीक है, ये एक विवादक तथ्य है, क्या है, विवादक तथ्य है कि क्या का ने कलकत्ता में अपराध किया है। अब तथ्य वह उस दिन दिल्ली में था, अब एक तथ्य ये प्रस्तुत कर दिया जाता कि उस दिन का दिल्ली में था, अब है तो ये असंगत लेकिन तो संगत तथ्य माना जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, का पर खा की हत्या का आरोप है, का पर खा की
हत्या का आरोप है, जबकि का उस दिन काफी दूरी पर था। ये असंगत है फिर भी सुसंगत के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट है तथ्यों का असंगत होना ही सुसंगत। इसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि तथ्य जब असंगत होते हैं तब वो सुसंगत बन जाते हैं। ठीक है, तो वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हो जाएंगे यदि भी किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हो। ठीक है, यानी वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत हो जाएंगे, जब वो विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। ठीक है, इसका उदाहरण ये भी देख लेते हैं कि का द्वारा का पर हत्या का आरोप है, लेकिन जबकि का ये कहता है कि वह किसी अनियंत स्थान पर था, तो ये असंगत बात भी सुसंगत तथ्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो ये बचाव का भार लेता, मान के चलो का बोल रहा है कि वो किसी अनियंत स्थान पर था, तो ये बचाव का भार जो है उसी व्यक्ति पर आता है जो इसका लाभ या भाग लेना चाहता है। ये आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सुधीर सिंह के केस में कहा गया था। ठीक है, और दो केस और है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि राम बलि वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या है कि इसमें एक अपराधी ने याचिका लगाई थी, एलिवी लगाई थी कि वह एलिवी का मतलब होता है अनियंत्रित स्थान पर होना। ठीक है, ये लगाई थी उसने, ये कहा था कि मैं उस उक्त तारीख को किसी जेल में बंद था, लेकिन इस बात को वो व्यक्ति साबित नहीं कर पाया था, तो उसकी एलिवी को खारिज कर दिया गया था इस केस के अंतर्गत, राम बाली वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। ठीक है, इसी के साथ जनरल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये बातें कही गई थी कि किसी भी व्यक्ति की एलिवी खारिज होने पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाता है कि वह किसी अन्य स्थान पर था, यानी साबित करने में साक्ष्य पूरे प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो हम उसे दोषी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें प्रोफेसर बिगमार के पांच दृष्टांत क्या हैं। स्थितियां जब तथ्य सुसंगत ना हो असंगत होने पर सुसंगत हो जाते हैं, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब तथ्य सुसंगत ना हो लेकिन असंगत हैं तब वो सुसंगत हो जाते हैं। कैसे कि पहला है अभियुक्त का घटना स्थल से भिन्न स्थान पर होना। अब अभियुक्त जो है घटना स्थल से भिन्न स्थान पर है, ये तथ्य असंगत हो गया फिर भी ये सुसंगत के अंतर्गत आ जाएगा अगर वो प्रूफ कर दे कि घटना स्थल के दिन वो किसी भिन्न स्थान पर था। ठीक है, अगला है कि गर्भ धारण करने के समय पति की पहुंच में ना होना, अण्यंत्र होना, यानी जब जो समय है पत्नी का गर्भ धारण करने का उसमें अगर पति ऐसे स्थान पर है जो उस पत्नी के पास नहीं पहुंच सकता है, अण्यंत्र स्थान पर है, तब पति पत्नी ये कहे कि ये बच्चा उक्त पति का है तो वो ये साबित कर सकता है। अगर वो साबित कर दे कि मैं उस टाइम पे पहुंच में ही नहीं था या मैं किसी अन्य स्थान पर था, तो ये भी असंगत तथ्य सुसंगत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मृत व्यक्ति के जीवित होने के साक्ष्य मिल जाए। ठीक है, यानी बात तथ्य क्या है कि उक्त व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, हत्या तो नहीं है, मृत हो चुका है, मर चुका है। ठीक है, लेकिन उसके जीवित होने के साक्ष्य मिल जाए तो ये इस तथ्य से ये कि वह मर चुका है, इस तथ्य से असंगत तथ्य कौन सा होगा कि वह जीवित है, तो ये असंगत तथ्य भी क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तथ्य की अपराध अन्य द्वारा किया गया है। अब तथ्य अपराध मान के चलो का द्वारा किया गया है, ये तथ्य है एक। ठीक है, लेकिन ये तथ्य मिल जाए कि अपराध किसी अन्य के द्वारा किया गया है, तो ये एक असंगत तथ्य हो गया, लेकिन इस का वाले केस में ये सुसंगत हो जाएगा। ठीक है, वादग्रस्त हानि स्वयं द्वारा स्वयं को पहुंचाना, ये भी एक असंगत तथ्य के साथ में सुसंगत तथ्य हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट जो पॉइंट है वो है अपना अधिक संभावना दर्शाने वाले तथ्य। ठीक है, यानी धारा 11 के भाग 2 में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर देख लेते हैं कैसे। देखिए ये, हाँ एक मिनट, ये धारा 2 का भाग 2 है, धारा 11 का भाग 2। ठीक है, यानी यदि वे स्वमेव या खुद या अन्य तत्वों के साथ मिलकर के या ससंग में किसी विवादक तत्व या सुसंगत तत्व का अस्तित्व या अनस्तित्व, किसी विवादक सुसंगत तत्व का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनाधिसंभव, पॉसिबल या इम्पॉसिबल बनाते हो, ठीक है, तो वे तत्व सुसंगत तत्व हो जाते हैं। कैसे, हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। चलिए कैसे, इसमें हम दो उदाहरण देखेंगे, एक तो इसमें केस है, एक हम पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है कि मान के चलो एक कमरे में 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब उनमें से किसी एक की हत्या हो जाती है, उस किसी एक की हत्या हो जाती है
तो पॉसिबिलिटी यही है, अभी संभावना पूरी पूरी यही है, अभी संभाव्य तथ्य यही दर्शाते हैं कि जो हत्या है, हत्या जो है 8 व्यक्तियों में से किसी एक ना एक ने की है, तो ये अभी संभावना वाले अस्तित्व इस प्रकार की अधि संभावना देता है कि उन 8ों में से किसी एक एक ने उसकी हत्या की होगी। ठीक है, केस में यह है संगीता बालकृष्ण कदम वर्सेज बालकृष्ण रामचंद्र कदम। ठीक है, अच्छा ये जो मैं उदाहरण दिया था ये केस है संगीता बालकृष्ण कदम वर्सेज बालकृष्ण रामचंद्र कदम का, इसमें कमरे में 5 लोगों में से किसी एक ने हत्या की है, तो इस केस के अंतर्गत इस बात का बताया गया था। जबकि उदाहरण में आपको दूसरा बताता हूँ कि मान के चलो कि किसी व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई, तो प्रथम दृष्टया देखने पर तो ये लग रहा है कि जो गोली मारी गई है वो कम दूरी से मारी गई है। ठीक है, गोली मारी गई है वो कम दूरी से मारी गई है। ठीक है, लेकिन जब वो उसका एग्जामिन होता है, या फिर हम ये कहते हैं चिकित्सीय साक्ष्य जो डॉक्टर रिपोर्ट जब पेश करते हैं, तो रिपोर्ट में यह आता है कि जो गोली मारी गई है वो काफी दूरी से मारी गई है, तो साक्ष्य के विपरीत साक्ष्य यहाँ पे हो जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी की जगह इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है कि काफी दूरी से गोली मारी गई है, ना कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं काफी पास से मारी गई है, तो इस प्रकार की अधिक संभावना दर्शाई जाती है। तो ये धारा 11 का भाग 2 है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो।